नया IBN 7 हौसला है। तो यहाँ पर आप देखें ये शाहनवाज की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वो कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए जो शाहनवाज ने यहाँ पर पहना था, अगर आप देखें तो, लेकिन ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और शाहनवाज की माँ हमारे साथ मौजूद है। बच्चा भैया, मेरा बच्चा बोरिया। शाहनवाज का परिवार हमारे साथ मौजूद है और रो रो एक और बुलाहट है। परिवार का कहना है कि धरना तब तक देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और दरख्वास्त और जो FIR लिखे, परिवार का कहना है कि गवाह नहीं थे, जा रहे हैं तो उसके बेटे हैं तो उसके भाई हैं, जिन्होंने आते में देखा ये भाई ये बड़ा बाजू ये खड़े में थे, जब वो तड़प रहे थे वो यू केरा गवाह कोई नहीं, दो उसके भाई दो उसके बेटे हैं, केरा कोई गवाह नहीं। शाहनवाज की माँ हमारे साथ है, आप अपना ख्याल रखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। ये तस्वीरें दिल्ली के तुर्कमान गेट की हैं, जहाँ मेरी सहयोगी पायल भुयान के साथ कल रात रोड रेज की घटना में मारे गए शाहनवाज के परिवार वाले हैं उनके साथ, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं और उन सब का गुस्सा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दिल्ली गुस्से में, क्योंकि अब यहाँ किसी की जान की कोई कीमत नहीं रही। एक छोटी सी टक्कर होती है, मामूली सी टक्कर, और चार पांच लोग सड़क पर एक आदमी को पीट पीट कर मार डालते हैं, वो भी उसके बच्चों के सामने। बच्चे गुहार लगाते रहते हैं कि हमारे पापा को मत मारो, उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती बस इतनी थी कि एक मोटरसाइकिल जो से शाहनवाज चला रहा था वो कुछ लोगों की कार से छोटी सी टक्कर हो गई और वो चार पांच लोग थे उन्होंने मिलकर उसे मार डाला। तुर्कमान गेट पर शाहनवाज का परिवार उसका शव लेकर धरने पर बैठा है और परिवार की जिद है कि इंसाफ मिलने तक वो शाहनवाज का जनाजा नहीं उठाएंगे और साथ ही वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को वहां बुलाने की भी मांग कर रहे हैं। और मेरी सहयोगी पायल भुयान लगातार कई घंटों से शाहनवाज के परिवार के साथ तुर्कमान गेट पर ही हैं। पायल, साफ साफ गुस्सा दिख रहा है लोगों में और हम लोग लगातार ये सुन रहे थे कि जो लोग वहां पर हैं, शाहनवाज का परिवार है, वो साफ साफ ये कह रहा है कि वो आरोपी को जानता है, किसने मारा ये वो परिवार जानता है, लेकिन पुलिस की इस भूमिका इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। अच्छा, ये जो पूरा परिवार है शाहनवाज का यहाँ पर कल रात धरने पर बैठा हुआ है, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन पहले हम आपको यहाँ पे इस इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। कोई भी यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो अभी तक जली नहीं है इस एरिया में, और यहीं पे कल रात को 11 बजे एक परिवार अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रहा था, एक मामूली सी छोटी सी यहाँ पर टक्कर हुई और उसी कहा सुनी में एक शख्स को चार लोग यहाँ पर पीटते रहे 15 मिनट तक। लोग यहाँ पर तमाशबीन बने रहे, पुलिस यहाँ पर तमाशबीन बनी रही और जब तक हॉस्पिटल लेके जाया गया शाहनवाज की जान जा चुकी थी। क्या एक जान दिल्ली में इतनी सस्ती है कि एक छोटे से रेज में चल जाए? लेकिन यहाँ पर जो परिवार है उनका कहना है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया और जिन लोगों ने शाहनवाज को मारा है परिवार उनको जानता है। शाहनवाज की बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या हैं वो सारे बिल्डर हैं, वो सारे मेरे भाई ने देखा है, उन सबको जो भी है वो सब जानता है। मेरा भाई कौन है वो पहचानता है, उन्हें पुलिस पैसा खाती है और मेरे भाई को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। सुबह पता है सुबह से कोई आया यहाँ पर? कोई नहीं आया, कल आए थे असीम भाई, कुरान शरीफ की कसम खा के गए, कहने लगे मैं यहाँ लेट जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, तुम सब घर चली जाओ। हम घर वापस चले गए, फिर हम वापस आए, कोई नहीं आया, कुछ नहीं करा, सब बातें बनाकर चले। तो आपने देखा कि यहाँ पर नाराजगी साफ जाहिर है, परिवार वालों का आरोप है ना पुलिस की तरफ से कुछ किया जा रहा है, ना यहाँ पर इनसे कोई मिलने आया है। सबका आरोप है कि जब वोट मांगने आया जाता है तब तो सब आते हैं, लेकिन जब आज जरूरत है तब यहाँ पर उनके दुख पर मरहम लगाने यहाँ पर कोई मौजूद नहीं और परिवार वालों को कहने की जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इसी तरीके से यहाँ पर धरना करते रहेंगे। शाहनवाज का जो जनाजा है वो यहाँ बीच सड़क पर रखा हुआ है। जी पायल, आप वहीं बनी रहें, परिवार को सहारा देती रहें, लेकिन यहाँ दो बहुत अहम सवाल उठ रहे हैं। जब बच्चों ने देखा है और वहाँ तमाशबीन लोग आसपास खड़े रहे, कोई शाहनवाज को
बचाने आगे नहीं आया, पुलिस तमाशबीन खड़ी रही। पुलिस वालों के खिलाफ जो वहां मौके पर मौजूद थे, क्या कार्रवाई की जाएगी? और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता आज कहां हैं? लोकल एमएलए जिनका नाम अभी शाहनवाज की बहन ने जिक्र भी किया, असीम भाई कल आए थे और आज वो पूरे दिन से नहीं आए हैं। मंत्री भी हैं केंद्र राज्य सरकार में, दिल्ली सरकार में, कहां हैं ये लोग? आम आदमी के साथ खड़ा होने का वादा किया था इन्होंने। लेकिन हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते हैं कि दरअसल ये पूरी घटना हुई क्या थी। देश की राजधानी में सरेआम दो छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिता को पीट पीट कर मार डाला गया। उनके पिता की गलती इतनी थी कि उनकी बाइक सामने से आ रही I-20 से टकरा गई। ये बात कार में बैठे लोगों को नागवार गुजरी और कार सवारों ने शहनवाज को डंडों और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। जब तक शाहनवाज को अस्पताल पहुंचाया जाता, उसकी मौत हो चुकी थी। शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि मौके पर मौजूद दो पुलिस वाले चुपचाप तमाशबीन बने रहे। शाहनवाज के बेटे के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने ना ही झगड़ा रोकने और ना ही उनके पिता को बचाने की कोशिश की। अब ये आया जब ही भागा, अम्मा बाबा कहाँ है? कि वो क्या कहते हैं, वो आदमियों ने हमारे अब्बू को मारा, बेहोश कर दिया, अस्पताल ले गए। दो पुलिस वाले खड़े, उनको मेरे पापा उनके सामने हमारे कुछ नहीं खड़े, वो खुद देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी मारा, वो कुछ भी नहीं मारा, मारा है। इस तरह दिन दहाड़े कत्ल से लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पथराव किया। लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, कुछ कारों के शीशे तोड़े और आग भी लगाई। रोड रेज की एक घटना होती है, दो गाड़ियों में मामूली सी टक्कर होती है और एक शख्स की मौत हो जाती है। वैसे दिल्ली में रोड रेज की ये पहली घटना नहीं है। आजकल आए दिन इस तरह के झगड़ों की, मारपीट की खबरें आती रहती हैं। कल रात दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट, जो कि बहुत पॉपुलर मार्केट है, वहां पर भी एक शख्स को रोड रेज में पीटा गया। नोएडा के अट्टा मार्केट के करीब एक स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार होने लगा। बताया जा रहा बाइक सवार ने कार का पीछा किया और कार चालक पर हेलमेट से हमला शुरू कर दिया। ये देखकर आसपास खड़े लोगों ने बाइक सवार को पीट दिया। जब बाइक सवार ने घटना के बारे में लोगों को बताया तो भीड़ ने कार सवार की भी पिटाई शुरू कर दी। क्या होता जा रहा है हमारी दिल्ली को, कहीं रोड रेज की घटनाएं तो कहीं बलात्कार की। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक शख्स को एक पड़ोस में रहने वाली महिला के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उस महिला ने बलात्कार से बचने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। तैमूर नगर कॉलोनी के घर की इस खिड़की से कूदने के बावजूद महिला दरिंदे पड़ोसी के हाथों बच नहीं पाई। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोसी देर रात तकरीबन 1 बजे चाकू लेकर महिला के घर में घुस आया। बचने के लिए वो खिड़की से कूदकर भागने लगी तो उसे चोट लग गई। इसके बाद आरोपी ने उसे दबोच लिया और पास के गोदाम में ले जाकर उसका बलात्कार किया। हल्ला हंगामा सुनने के बाद इलाके के लोग जागे और उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का नाम सुमन है और सुमन ने सर अकेला देखा था मैंने सर को, वो गिरफ्तार हो चुका है जी सर। और देश दिन भर में अब खबर करते हैं, रुक करते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा के एक एसआई ने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त एसआई के घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। रोहतक के आजादगढ़ कॉलोनी में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। उस वक्त एएसआई की पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे। जब दोनों घर पहुंचे तो संदीप की मौत हो चुकी थी। पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को एएसआई की लाश के पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मृतक एएसआई स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात था। पुलिस को फिलहाल सुसाइड की वजह का पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। और अगली खबर भी हरियाणा से ही है, जहां सोनीपत में दो बक्सों में लाशें मिली हैं, एक नवविवाहिता और एक शख्स को मारकर उन्हें बक्से में बंद करके एक पार्क में फेंक दिया गया। पुलिस को शक है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। सोनीपत में नेशनल हाईवे 1 पर एक पार्क के पास दो बक्से मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को इन बक्सों में दो लोगों की लाशें मिली हैं। इनमें से एक लाश नवविवाहिता की है और दूसरी लाश एक शख्स की है। हथियारों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नवविवाहिता का पहले तो गला घोटकर कत्ल कर दिया और फिर उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बक्से में बंद कर दिया। दूसरी लाश एक शख्स की है जिसके दोनों पैर काट कर उसकी लाश बक्से में बंद कर दी गई। हाईवे के पास एक पार्क में दोनों बक्से मिले थे। राहगीरों ने जब बक्से खोले तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। हालांकि अब तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। देख रहे हैं।
बहुत दुख की बात है कि आज देश दिन भर में जब से हमने खबरों का सिलसिला शुरू किया है सिर्फ और सिर्फ दुख की त्रासदी की खबरें ही आ रही हैं। अगली खबर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, वहां पर आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए और 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। लोहिया नगर के कांशीराम आवासीय योजना की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की आंख आग की खबर के साथ खुली। बच्चों के चीखने की आवाज से लोग मदद के लिए भी दौड़े, लेकिन देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि जब तक पानी की गाड़ी मौके पर पहुंची, सब जलकर खाक हो चुका था। आग में झुलसकर 4 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। घर का मालिक परवेज और उसकी 2 बेटियां बुरी तरह झुलस गईं। बताया जा रहा है कि घर का मालिक परवेज पेट्रोल डीजल बेचने का काम करता है और घटना के वक्त घर में काफी तेल था। आग लगने के बाद आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ गए। आग को काबू करने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का ये भी आरोप है कि दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीकॉम फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र का पर्चा रद्द कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने ये कदम पर्चा लीक होने के मामले के बाद उठाया है। आपको बता दें कि IBN 7 ने ही सबसे पहले पर्चा लीक होने की खबर आपको बताई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। बीकॉम फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के छात्रों के सपनों को परीक्षा माफिया ने एक पल में तोड़ दिया। परीक्षा शुरू होने से पहले जैसे ही IBN 7 ने इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा किया, वैसे ही जयपुर समेत पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक ये प्रश्न पत्र एक सेंटर से लीक हुआ और 3,000 रुपए में बेचा गया। हद तो तब हो गई जब परीक्षा में बांटे गए पर्चे से इसका मिलान किया गया तो सारे सवाल एक जैसे ही निकले। दिन भर पढ़ते हैं फिर भी मेहनत करते हैं, फिर पेपर आउट होता है, इसमें हमारी वापस लगना चाहिए सर। पेपर जो मेहनत करते हैं होना चाहिए। पर कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, उसकी पूरी घटना की जानकारी होनी चाहिए। पिछले दिनों में कुछ न्यूज़पेपरों में निकाला गया था कि पेपर जो फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर्चा लीक की खबर आते ही सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। पुलिस में एक FIR भी लॉन्च करवा रही है और FIR लॉन्च करवा के इस तय पे पहुंचेगी कि आखिर पेपर कहां से लीक हुआ। लगातार अलग अलग परीक्षाओं के पर्चे लीक होने से संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले IBN 7 ने ही UPPCS के पर्चे लीक होने का खुलासा किया था, जिसके बाद UP सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। खबर जम्मू कश्मीर से। घाटी में 4 घंटे के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए, जिसमें 3 पुलिस वाले शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। इन हमलों के बाद घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिर्फ 3 दिन बाद आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर घाटी के 3 जिलों में हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए। पहला हमला उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुआ। आतंकी एक चलती बस में पुलिस वाले को गोली मारकर घायल कर फरार हो गए। दूसरा हमला शोपियां में हुआ। यहां आतंकियों ने 3 पुलिस वालों को उस वक्त गोली मारी जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। जिस समय आतंकवादियों ने हमला किया उस समय मारे गए पुलिसकर्मी निहत्ते थे और एक अपराध की जांच के लिए गांव गए हुए थे। तीसरा हमला त्राल में हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने एक आदमी पर गोली चला दी जिसमें वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर शहीदों के परिवार को सांत्वना दी। उधर तेलंगाना के नालगोंडा में 2 सिमी आतंकियों को मार गिराने के बाद पुलिस इनकी साथियों की तलाश में जुट गई है। तेलंगाना के नालगोंडा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सिमी आतंकी असलम के परिवार वालों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। परिवार वालों ने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पुलिस शव को वहीं दफना दे। तेलंगाना के नालगोंडा में शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में आतंकी असलम और उसके साथी एजाजुद्दीन को पुलिस ने मार गिराया था। आतंकी असलम MP के खंडवा का रहने वाला था और जब पुलिस ने परिवार वालों से संपर्क किया तो परिवार वालों ने चिट्ठी लिखकर पुलिस वालों को असलम का शव नहीं दफनाने को कह दिया। पुलिस को लिखे खत में आतंकी असलम के परिवार ने कहा कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है और वो तेलंगाना तक नहीं आ सकते, इसलिए उसके शव को वहीं दफना दिया जाए। आतंकियों के शव फिलहाल हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में ही रखे गए हैं। CSP साहब से भी घर में से बात हुई तो हमने बोल दिया कि उसको दफनाया जाए माँ के भी तरफ से। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां के रेत माफिया की गुंडागिरी का एक बार फिर मामला सामने आया है। मुरैना में अवैध खनन रोकने वाले कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी रेत माफिया के हाथों और इस हत्या की SIT जांच के आदेश अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। हालांकि कांग्रेस अब शिवराज सिंह चौहान पर हमला कर रही है, उसने इस हत्या को मुद्दा बनाया है और साथ ही चौहान सरकार के खिलाफ आज भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा शिवराज सरकार में एक ईमानदार सिपाही की मौत के खिलाफ है।
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंबल में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। पुलिस के इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सैंड रेता की के ठेके में, पत्थरों की खदान के ठेकों में काफी इनमें अनियमितताएं हैं। इस मामले में पुलिस अभी तक डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डंपर का मालिक रामलखन मुरैना का रहने वाला है। पुलिस ने ना तो उसे आरोपी बनाया है और ना ही उससे पूछताछ की है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने यह भी कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने मृतक सिपाही के परिवार के लिए 10 लाख का मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र चौहान नाम के कांस्टेबल की रविवार को रेत माफिया ने हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र ने अवैध खनन कर रेत ले जा रहे एक डंपर को रोकने की कोशिश की थी। और देर दिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं देश दिनभर। कांग्रेस आजकल अचानक जोश में आ गई है। आज कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला गया, अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया और साथ ही एमसीडी के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार और बीजेपी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चे में शामिल लोगों के हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था, केजरीवाल के राज में मांगी थी पेंशन, मिली टेंशन। पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया। खबर बिहार से। राम मनोहर लोहिया को भारत की राजनीति में जात पात, छुआछूत, भेदभाव दूर करने की दिशा में काम करने वाले क्रांतिकारी और दार्शनिक का दर्जा हासिल है, लेकिन बिहार में लोहिया की विचारधारा को मानने वालों ने जो कुछ किया उसके लिए शर्मनाक जैसे शब्द भी छोटे लगते हैं, कम पड़ते हैं। खुद को लोहिया का सिपाही कहने वाले बेशर्मों ने जीतन राम मांझी के माल्यार्पण करने से उनकी मूर्ति को छूत का शिकार मान लिया और मांझी के जाने के बाद वहां गंगा जल और पूजा पाठ से उस मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया। उत्तर बिहार के सुपौल में जो कुछ हुआ वो हर सच्चे समाजवादियों को शर्मसार करने वाला है। लोटे से मूर्ति को धोते, गंगा जल से शुद्ध करते, अगरबत्ती जलाकर और मिठाई चढ़ाकर शुद्धिकरण करते इन लोगों का दावा है कि लोहिया विचार मंच के सदस्य हैं। लेकिन इनकी करनी से जाहिर है कि ये लोहिया के विचार को कितना जानते हैं। सवाल ये है कि लोहिया की मूर्ति के सामने कर्मकांड की जरूरत क्यों पड़ी, ये खुद ऐसा करने वाले शख्स की जुबानी सुनिए। लोहिया जी के भावना को जो है तो ठेस पहुंचाने का ये राजनेता का एक साजिश है, इसके विरोध में हम लोग जो है तो पुनः जो है इनको जो है तो माल्यार्पण किए और धोए हैं कि ऐसी जो है तो भावना जो बड़े राजनेता की होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। असल में मांझी ने सुपौल में अपने कार्यक्रम के दौरान लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। महादलित समाज से आने वाले नेता के जाते ही शुद्धिकरण शुरू हो गया। इस पूरे मामले की मांझी ने निंदा की है। क्या उनके हमारे माला पहनाने से क्या वो अछूत हो जाएंगे? उनकी प्रवृत्ति नहीं है, वो अछूत नहीं होंगे, वो महान आदमी है, लेकिन जिसने उसको धोया वो वही विचार का द्योतक है, परिवर्तक है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में होती है। मांझी के माल्यार्पण के बाद मूर्ति धुलने के मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने चार लोगों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कराया। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी लोगों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण की कीमत पर प्रगति नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अगुवाई करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की परंपरा रही है और पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ भी चलाए जा सकते हैं। मोदी ने कहा कि रिसाइकलिंग भारत से दुनिया सीख सकती है। मोदी ने सम्मेलन में चांदनी रात में बिजली बचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने हफ्ते में एक दिन ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को न चलाने का संकल्प लेने को भी कहा। मोदी ने कहा कि इसके लिए संडे ऑन साइकिल जैसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। संडे हो, संडे ऑन साइकिल मान लीजिए, जरूरी नहीं हर लोग साइकिल खरीदने जाए, तय करें कि भाई मैं सप्ताह में एक दिन ऊर्जा से उपयोग में आने वाले साधनों का उपयोग नहीं करूंगा। और देर दिन में अगली खबर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। आज मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं और चिंताओं से अवगत कराया और प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया।
पीएम से मुलाकात के दौरान मुस्लिम नेताओं ने कट्टरवाद और आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इन नेताओं ने इस तरह की तमाम चुनौतियों का मिलकर सामना करने की जरूरत बताई। मुलाकात के दौरान मुस्लिम नेताओं ने मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम तीर्थस्थलों के मुद्दों के बारे में भी बताया। लोगों ने पीएम से मुस्लिम युवाओं को शिक्षा समेत अहम क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं में मदद की मांग की। पीएम ने भी इन मुस्लिम नेताओं को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया, साथ ही मुस्लिम युवाओं को देश के विकास में अहम भूमिका के लिए प्रेरित करने की भी बात कही। चलिए इसी के साथ देश दिन भर में अभी मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आईपीएल पर हमारी खास पेशकश। गानोत्सव